लोगों को डराया जा रहा है, इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी गई। ये रेड लाइन मिटाकर दिखाऊंगा, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का चैलेंज। इल्जामात और लफ्जी बार, कहा पैसों की ऑफर और धमकियां भी दी गई। लोगों को कहा जा रहा है कि हमने इमरान खान को माइनस कर दिया, उसका कोई फ्यूचर नहीं, उस पर रेड लाइन लगा दी गई है। जिनमें ये तकब्बुर और फिरौनियत है उनमें कोई अकल नहीं। रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान की आवाम लगा सकते हैं और कोई नहीं। पहले हुकूमतों को हटाने पर मिठाइयां बांटी जाती थी, अब ऐसा नहीं हुआ। रेड लाइन डालने वालों को जब आवाम बाहर निकले तो शॉक लगा, इन्हें सियासत की कोई समझ नहीं। 5 लोग खरीदने के लिए अरबों की ऑफर कर दी गई। ये भी कहा कि हमारी आजाद खर्चा पॉलिसी गुलामों को पसंद नहीं आई। IMF जाए ना जाए महंगाई फिर भी होगी। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन को बड़ा सरप्राइज मिलने का अमकान है। एतमाद के वोट पर पीटीआई का नंबर पूरे होने का दावा। फवाद चौधरी कहते हैं 185 अरकान ऐवान में मौजूद हैं, 2 अरकान का इंतजार है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन का शदीद हंगामा, स्पीकर डायस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती अरकान ने जीत के नारे लगा दिए, ऐवान फिर मछली बाजार बन गया। स्पीकर ने ऑपोजिशन को चैलेंज दिया, कहा आपको लगता है नंबर ज्यादा है तो अदम एतमाद ले आए। लाहौर हाईकोर्ट में केस चल रहा है, तौहीन अदालत न करें। कॉन्फ्रेंस मुनकद हुई जिसको सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने और मैंने जॉइंटली को चेयर किया, वो अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से एक इंतहाई कामयाब कॉन्फ्रेंस साबित हुई। ये पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की दुआओं का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने आटा बहरान की जिम्मेदारी सूबों पर डाल दी, आटे की किल्लत पर शदीद खफा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आटे और गंदम की कमी का जवाब सूबों से लें, हमसे नहीं। सूबे मेहरबानी करें, आवाम की जान अजाब में ना डालें। सूबों के पास आटा वाफिर मकदार में मौजूद है, गंदम रिलीज नहीं कर रहे। हम माजी की हुकूमत की तरह टांग पर टांग रख कर नहीं बैठे। ये भी कहा कि जनीवा कॉन्फ्रेंस में 9.7 अरब डॉलर इमदाद का ऐलान हुआ, एक एक पाई को शफाफियत से इस्तेमाल करेंगे। मुखालिफिन ने हुकूमती इकदाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, सियासी मुखालिफिन ने जहर घोला और कौम को तकसीम दर तकसीम किया। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को 24वीं दुनिया की मईशत जो बन चुकी थी 2016 में, जो 2030 में दुनिया की G20 में शामिल हो रहा था जो मुल्क, उसको 47 मईशत पे लाके खड़ा कर दिया पिछले साल, और फिर वो छोड़ के चले गए और अभी भी उनको कोई अच्छी बात हजम नहीं होती, और उन्होंने उसको ऐसा एक ट्विस्ट दिया। और हम उधर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं वज़ीर आज़म की सरबराही में सब, और यहाँ से पीछे से ट्वीट्स हो रही हैं कि जी ये जो कमर्शियल बैंक से है वो स्टेट हुकूमत ले रही है, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। डिफॉल्ट की बातों पर वजीर खजाना का पारा हाई, फिर दिवालिया होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। एहसान डार ने कहा सियासी मुखालफिन ने डिफॉल्ट की गर्दान पकड़ी हुई है, मुखालफिन को कोई भी बात हजम नहीं होती। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, हम जिनेवा में काम कर रहे थे, यहाँ मनफी ट्वीट हो रही थी। IMF से भी मईशत के हवाले से तफसीली बातचीत हुई, कोशिश है सर्कुलर डेट खत्म हो। सैलाब मुतासरीन के लिए 16 अरब डॉलर की जरूरत है। महंगाई महंगाई रिकॉर्ड महंगाई, वर्ल्ड बैंक ने भी महंगाई पर रिपोर्ट जारी कर दी। बताया पाकिस्तान में महंगाई 70 की दहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बदतरीन सैलाब और सियासी बेयकीनी मआशी मुश्किलात की बड़ी वजह करार। सैलाब से GDP को 4.8% के बराबर नुकसान पहुंचा। मौसमियाती शिद्दत फूड चेन को मुतासर कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जरई पैदावार को नुकसान पहुँचने का भी खदशा है। दस बीस नहीं, गैस इकट्ठी 74% महंगी, ओगरा ने अगली पिछली कसर निकाल दी। पिछले साल जखम जुलाई से गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी, सार्फिन को 7 माह पुराने वाजिबात भी अदा करना होंगे।
जो अपने सिला मुतासरीन को मदद करने का सिलसिला है, जो एक इतना मॉन्यूमेंटल टास्क है, उस लिहाज से तो कामयाब हुआ। लेकिन आपने साथ साथ ये मिथ तोड़ा कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है। आपने पाकिस्तान के अंदर में जो डॉक्टर्स है और दुनिया भर में जो पाकिस्तान के मुखालिफीन है, पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं सोचते हैं, अच्छे नहीं चाहते हैं, आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को तन्हा करने की अंदरूनी और बैरूनी साजिश नाकाम हो गई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वजीर आजम ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस में एक तीर से दो शिकार किए। हमारी खारजा पॉलिसी कामयाब हो चुकी। मईशत के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही थी। इतिहादी हुकूमत ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। मुश्किलात के बावजूद दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आलमी इमदाद के साथ हमें अपने वसाइल भी इस्तेमाल करना होंगे। पंजाब में विफाकी हुकूमत की शब खून मारने की साजिश नाकाम हो गई। इमरान खान परवेज इलाही खानदान का नाम ECL में शामिल करने पर सख्त खफा। कहा, विफाकी हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आईन और कानून की धज्जियां उड़ा दी। वजीर पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात में इमरान खान ने कहा, PTI और काफलीग मुतहद है, विफाकी वज़रा को मुंह की खाना पड़ेगी। वजीर पंजाब ने कहा, सियासत में कभी इंतकामी कार्रवाई की ना ही यकीन रखते हैं। शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्ला की हर साजिश नाकाम होगी, नाकामियां इनका मुकद्दर बन चुकी। वज़ीर आला बताएं एतमाद का वोट लेने के लिए कितने दिन चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का सवाल, वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सवाल। अदालत ने पूछा, मामला हल नहीं हुआ। परवेज इलाही के वकील को कहा कि गवर्नर के वकील ने ऑफर दी है एतमाद का वोट लें, आप बताएं कितने दिन का वक्त आपके लिए मुनासिब होगा, हम वो वक्त मुकर्रर कर दें ताकि मसला हल हो जाए। मामले पर कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा, हम इस दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला कर देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने दलाल दिए, 19 दिसंबर को पहले तहरीक अदम एतमाद आई, 20 मिनट बाद गवर्नर ने भी अपना हुक्म जारी कर दिया। सारी कहानी का मकसद असम्बली की तहलील को रोकना था। 23 दिसंबर को अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली गई। गवर्नर पंजाब एतमाद के वोट के लिए दिन मुकर्रर नहीं कर सकता। समाअत सुबह 9 बजे फिर होगी। पंजाब हमारे पास वापस आ चुका। वजीर दाखला राणा सनाउल्ला का बड़ा दावा। कहा, परवेज इलाही के पास 186 का हिंसा नहीं। कंटेनर से फायर मुअज्जम को लगा जिससे वो हलाक हुआ। फायरिंग नवीद ने की, दो और लोगों के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। PTI के लोग नू लीग में शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं। मोनस इलाही सारे पैसे इकट्ठे करके स्पेशल तैयारी पर चला गया। मेरा ख्याल है मोनस इलाही वापस नहीं आएगा। अदम एतमाद के लिए 22 दिन मिल चुके, एक एक दिन पंजाब पर भारी गुजर रहा है। पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म है। एंटी करप्शन में बैठे एक शख्स ने लूट से लगाई हुई है। फैसला सुबह होना चाहिए। उम्मीद है लाहौर हाईकोर्ट आइन और कानून पर मबनी फैसला देगी। मामले खसूसी अता तारण बोले, वोट लो या घर जाओ, परवेज इलाही के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। तहरीक इंसाफ का एतमाद के वोट के लिए 188 नंबर होने का दावा। फवाद चौधरी कहते हैं, अगर अदालत एतमाद के वोट का कहे तो हुक्म मानेंगे, फैसले के बाद अपील में भी जा सकते हैं, मगर उम्मीद है एतमाद का वोट लेकर असेंबली तोड़ेंगे। ये भी कहा, शहबाज शरीफ और बिलावल पर किसी को भी एतबार नहीं। एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी तब्दील करे। हमारे अवाम से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट को हमसे ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे। हमारे 5 MPAs को पैसों की ऑफर्स की गई। जरदारी साहब को शर्म आनी चाहिए, सिंध का पैसा MPAs पर खर्च कर रहे हैं। मोनस इलाही और फैमिली पर दबाव की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पर तनकीद। चौधरी शुजात बरहम, सरबराह काफ लीग ने कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल को हर रोज फकीर कहा जा रहा है। गदागरी का इल्जाम लगाकर आप खुद को बड़ा समझ रहे हैं। वज़ीर आज़म ये गदागरी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जिस पर उन्हें फख्र होना चाहिए। अवाम की मौशी सूरत हाल बेहतर बनाने की खातिर पैसे मांग रहे हैं। ये पैसे अगर चौक में खड़े होकर भी मांगना पड़े तो फख्र होना चाहिए। नेक काम में हम भी उनके साथ शरीक होंगे। बल्दियाती इलेक्शन बाद में हल्का बंदियां पहले। MQM के तमाम ग्रुप एक हो गए। इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के सामने शदीद एहतजाज। MQM पाक सरजमीन
भाटी और फारूक सत्तार की शिरकत, खालिद मकबूल सिद्दीकी की इत्तेहादियों को वार्निंग, 2 से 3 दिन का अल्टीमेटम, कहा हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो इलेक्शन नहीं होगा, फैसले ना हुए तो हम भी अपना फैसला करने का हक रखते हैं। मुस्तफा कमाल बोले ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, कराची खिलाफ हो गया तो बिलावल वजीर आजम नहीं बनेगा। फारूक सत्तार ने खबरदार किया, झुरलू और धांधली जदा इलेक्शन कबूल नहीं। एहतजाज के बाद मुतहदा की इलेक्शन कमिश्नर को मुतालिबात पर मबनी याददाश्त पेश, मौजूदा हल्का बंदियों को धांधली करार दिया। उधर एमकेएम पाकिस्तान और पीएसपी में कल इंजमाम हो जाएगा। बयाती इलेक्शन पर सिंध हुकूमत उलझन, इत्तेहादियों को बनाए या इलेक्शन की तैयारी करे, पीपल्स पार्टी के बड़ों की मुशावरत, कानूनी टीम से सलाह मशवरे, मुश्तरका दोस्तों ने सियासी रास्ते तेज कर दिए, बीच का रास्ता निकालने का मशवरा, सिंध हुकूमत पार्टी क्यादत से हतमी जवाब की मुंतजर, अदालत में जवाब पार्टी क्यादत की हिदायत पर जमा कराया जाएगा। बिलावल भुट्टो बलदियाती इलेक्शन के ख्वाहिशमंद, आसिफ जरदारी एमकेएम की नाराजगी पर कश्मकश का शिकार। बल्दियाती इलेक्शन में फौज और रेंजर्स तैनात नहीं कर सकते, जीएचक्यू ने माजत कर ली, हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज और रेंजर्स तैनात नहीं होगी। वजारत दाखिला का इलेक्शन कमीशन को खत, वफाकी हुकूमत ने अपने फैसले से आगाह कर दिया, बताया जीएचक्यू ने नफरी की फराहमी पर माजरत कर ली, 20,000 अहलकार दरकार हैं। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन, 16 अजला में 727 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब, कराची के साथ हैदराबाद के 410 और ठठा के 310 उम्मीदवार शामिल। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ, $1 अरब से जायद के मुआहदे होंगे, पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाब सईदुल मालिकी कहते हैं आइंदा दिनों में तेल के शोबे में मुआहदों पर दस्तखत होंगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, इक्तिसादी और माली मदद फराहम की, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मिसाली हैं। पीटीआई ने बैरूनी इमदाद को बेसूद करार दे दिया, हमाद अजहर कहते हैं हमारी मौशी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं, जो पैसे आए वो कर्जों की वापसी पर लग जाएंगे। वजीर आला पंजाब से मुलाकात में फारूक हबीब बोले पीडीएम हुकूमत ने आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। ममनुआ फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई साबित करने के फंड्स ममनुआ नहीं तो इलेक्शन कमीशन फैसला बदलना होगा, इलेक्शन कमीशन के फैसले को कहीं ऑर्डर, कहीं रिपोर्ट और कहीं राय कहा जा रहा है। हम वादे करेंगे कि शो कॉज कोई बेमकसद नहीं, बामकसद कार्रवाई है, अगर हर हाल में पहले फैसले पर रहना है तो शो कॉज का फायदा नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के सादे को अमीन ना होने का कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, आखिर में इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक नतीजा अखज किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस कार्रवाई में हतमी नतीजे में सिर्फ फंड्स ही जब्त हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का आइंदा आम इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला, जिले सतह पर कायम दफातर में इंटरनेट और दीगर सर्विसेज के सर्वे का आगाज, तमाम जिले इलेक्शन कमीशन दफातर में जदीद टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाएगा, नतायज बर वक्त मिलेंगे। हमारा बादशाह करप्शन की बीमारी का शिकार है, चीफ जस्टिस के नैब तरमीम से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा अवामी मुफाद और इंफरादी फायदा उठाने वालों के दरमियान तवाजुन होना चाहिए, सवाल यह है कि अदालत ने आइन का दिफा और तहफ्फुज कैसे करना है, मौजूदा केस में नैब कानून की बेहतरी देख रहे हैं, अगर हालिया नैब तरमीम से एहतसाब का मियार गिरा हुआ है तो अदालत इनको बरकरार कैसे रख सकती है, जजेस भी अवामी एतमाद के जामिन हैं, जजेस भी काबिल एहतसाब हैं, जजेस पैसे के करीब भी नहीं जा सकते, समाअत दोपहर तक मुलतवी। मुनसिलाही के करीबी दोस्त अहमद फारान खान बाजियाब, लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त निमटा दी, पुलिस ने फारान को अदालत में पेश कर दिया, सहाफी ने सवाल किया आपके सर पर जख्म के निशान कैसे हैं, अहमद फारान ने जवाब दिया अभी आते हुए गाड़ी का दरवाजा लगा,
सीसीपीओ लाहौर ने कहा, वजीराबाद हमले पर मबनी जीआईटी में कोई इख्तिलाफ नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि अफरान को उल्टा लटकाकर सारा जिस्म जख्मी किया गया, एक मुहिबे वतन पाकिस्तानी का क्या कसूर है, पूरी कौम के लिए ये सवालिया निशान है। आसमान से बरसते मोतियों ने रुत ही बदल दी, वादियां सफेदी में छुप गईं, बालाई इलाकों में बर्फबारी नॉन स्टॉप जारी, शुग्रा हसीन सयाह खिंचे चले आए, मरियर गिलियात में भी वक्फे वक्फे से स्नो फॉलिंग, बलोचिस्तान में ज़ियारत कला अब्दुल्ला और नौशकी की राबता सड़कें बंद, सवाद दीवाला और बालाकोट ने भी सफेद चादर ओढ़ दी, वादिया नीलम और लीपा भी बर्फ से ढक गई, पारा -5 से भी गिर गया। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार बारिश, ठंड मजीद बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश, यकबस्ता हवाओं का राज, इस्लामाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, खुशाब समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसे, पेशावर में मूसलाधार बारिश, जगह जगह पानी खड़ा हो गया, हंगू में भी अब्र रहमत बरसा, महकमा मौसमियात की जुमे तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई, कराची वाले भी हो जाए तैयार, सर्दी करेगी भरपूर वार, महकमा मौसमियात की 12 से 17 जनवरी तक सिंध में शदीद सर्दी की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया, कराची में दर्जा हरारत 5 डिग्री तक गिरने का इम्कान। पंजाब में आटे का बहरान दम तोड़ गया, गंदम की फी मन कीमत में 1200 रुपए तक कमी, जखीरा अंदोजों की कमर तोड़ दी, सरकारी आटा तैयार ना करने वाली दर्जनों फ्लार मिल्स का सरकारी कोटा मुअत्तल, लाहौर में कई रोज बाद रजिस्टर्ड दुकानों पर भी सरकारी आटा दस्तियाब हो गया, महकमे खुराक का पंजाब भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ ट्रैक डाउन, आटे की गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस 296 फ्लार मिल्स के खिलाफ एक्शन, 4 करोड़ रुपए के जुर्माने, स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाकर 29,000 टन गंदम जब्त कर ली गई, खुफिया गोदामों में जखीरा की गई हजारों टन गंदम बरामद। बलोचिस्तान में आटे का बहरान खत्म न हुआ, शहरी दो वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरे खाते रहे, आम मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2,900 रुपए का हो गया। पाकिस्तान IMF की शरायत को पूरा करने के लिए मौशी इस्लाहात जारी रखे, तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेट प्राइस कहते हैं, पाकिस्तान मौशी बहाली में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखी जाएगी, पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत करते हैं। वकील को सजा क्यों दी, वकीलों ने सड़कों पर ही अपनी अदालत लगा ली, लाहौर वाले ख्वार होकर रह गए, हाईकोर्ट के बाहर धरना, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, सख्त सर्दी में आवाम को शदीद परेशानी, घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे, स्कूलों के बच्चे भी अजाब में मुब्तला हो गए, मातहत अदालतों की भी तालाबंदी, सालीन ख्वार सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी भी धरने में शरीक। सोशल मीडिया पर झूठे इल्जामात, अदाकारा महविश हयात की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त, विभाग की हुकूमत और FIA को नोटिस जारी, अदाकारा के खिलाफ मवाद फौरी हटाने का हुक्म। सिंध हुकूमत का सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए ऐसे इकदाम, 1,53,00,000 रुपए अतिया कर दिए, वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने CPNE और PFUJ को इंडोमेंट फंड्स के चेक दिए, कहा मीडिया की बेहतरी से मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम होगी। वजीर आला परवेज इलाही का तारीखी इकदाम, 10,00,000 नौजवानों के लिए फ्री ऑनलाइन आई कोर्सेज का ऐलान कर दिया, मलेशियन कंपनी के साथ मुआहिदा तय, परवेज इलाही कहते हैं ट्रेनिंग से रोजगार के लाखों मौके पैदा होंगे, डिजिटल हुनर प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। कनेट कॉलेज लाहौर में इंटर यूनिवर्सिटीज वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेला, लाहौर की सख्त सर्दी में भी तालिबात ने सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए, 5 रोजा टूर्नामेंट में 20 यूनिवर्सिटीज की टीमें हिस्सा ले रही हैं।